हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज है 2 सितंबर 2020, और 2 सितंबर 2020 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, आज हम उन पर डिस्कस करते हैं, और उनसे संबंधित मैं क्वेश्चन भी बताऊँगा और जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी जसप्रीत बुमराह है। इसके पहले दो नंबर में यदि कहा जाए तो पहले क्या नाम, हरभजन सिंह ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी टेस्ट में, और दूसरे नंबर पे हमारे इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में हैट्रिक लगाई थी, और ये तीसरे गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो मैं इसमें आंसर नंबर बी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता, यह सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यह 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। तो पाकिस्तान के पीएम जो हैं इस समय इमरान खान हैं, और वहाँ के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं वो आरिफ मोहम्मद अलवी हैं। क्वेश्चन नंबर, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सोलर ट्री स्थापित किया गया है। इस सोलर ट्री से 11.5 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा सकती है, और इसके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ की सीएम इस समय ममता बनर्जी हैं, और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ है। इन्होंने सदाने ऐप भी लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल ने, जो कोविड-19 को सर्च करने के लिए था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसने मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो इसमें आंसर नंबर सी भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने मेडिकल ट्रॉली को चलाने के लिए मेडबोट नामक रिमोट विकसित किया है, जिस रिमोट के जरिए मेडिकल ट्रॉली में कोविड-19 से पीड़ित पेशेंट को भोजन और उनका मेडिसिन उचित दूर डिस्टेंस को रखते हुए पहुंचाया जा सके। तो यह मेडबोट रिमोट भारतीय रेलवे ने विकसित किया है। तो भारतीय रेलवे मंत्री इस समय हमारे पीयूष गोयल जी हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में यशस्विनी सिंह देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें आंसर नंबर ए गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल यशस्विनी सिंह देशवाल ने जो 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने यह गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इसका आयोजन ब्राज़ील की एक शहर रियो डी जेनेरियो में यह आयोजन किया गया था। वहाँ यशस्विनी सिंह देशवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। तो यह एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में यह अवार्ड उन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
हाल ही में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किया है? तो इसमें आंसर नंबर बी लखनऊ। लखनऊ में इस मेगा वेंडर मीट का आयोजन किया गया है। इस के माध्यम से रेलवे में बिजनेस पर्पस से उसका प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कावाकाज 2020 में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है? तो इसमें आंसर नंबर बी रूस। रूस में जो इस समय सैन्य अभ्यास होना था कावाकाज, जिसमें चीन, पाकिस्तान और अन्य कई देशों का आयोजन था, तो इसमें चीन से हमारा तनाव होने के कारण हमारी सरकार ने और इस कावाकाज सम्मेलन में सैन्य अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को है और इस समय वहाँ के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन हैं और यह सत्ता में अपने सबसे ज़्यादा शासन काल में रह चुके हैं, अर्थात इनका टेन्योर अपने देश में रूस में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रेसिडेंट बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 सितंबर को रक्षा मंत्री जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जाएंगे। हमारे रक्षा मंत्री इस समय जो हैं राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह और इस जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जाएंगे। यह 2 सितंबर से 5 सितंबर तक यह जापान का दौरा करेंगे और इसके बाद 5 तारीख से वह दक्षिण कोरिया की ओर प्रस्थान करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,